हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा भी ठीक है और घर पर सब ठीक है। तो 11 बजने वाले हैं तो मैं हो गई हूँ सब काम करके फ्री। आज रौनक का पेपर नहीं है, हिंदी का पेपर कल है, तो थोड़ा बहुत उसको अभी मैंने रेस्ट दिया है, थोड़ा सा पढ़ाया था। तो मैं आ गई हूँ यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए ये बैग, ये एक बैग है। इस बैग में मैंने वो कपड़े रखे हैं जब हम लॉकडाउन में 19 मार्च को जो है इनके पेपर खत्म हुए थे, तो उस टाइम सर्दियों के कपड़े जो सिलने को आए थे वो इसमें रखे थे। तो 10 दिन की छुट्टियां थी, 30 मार्च को इनका रिजल्ट आने वाला था, तो हम 30 मार्च को वापस आने वाले थे। तो वो कपड़े जो है वो इस बैग में ही रखे हैं। तो मेरे भी कुछ कपड़े इस बैग में है जो मैंने सिलने के लिए रखे थे। तो आज मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितने कपड़े हैं, और वो यहाँ के यहाँ पड़े हुए हैं। कुछ कटिंग की हुई है, कुछ ऐसे ही पड़े हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ लोगों के हैं। तो मैं अब इनको निकालूंगी और फिर मैं इनको ना वापस दे दूंगी जिनके भी है ये, क्योंकि सर्दी के कपड़े थे। अब इनके नाप वगैरह भी पता नहीं कहाँ है। और जो मेरे अपने हैं, अपने भी मैंने कुछ इसमें रखे हैं। तो जब मैं अपनी बहन के घर गई थी पिछली बार, 2 पेटीकोट उसने मुझे दिए हैं। मतलब कि हमारे जो पेटीकोट सिलते हैं कोटगढ़ में, ऐसे पेटीकोट नहीं होते हैं साड़ी वाले, सिंपल पेटीकोट होते हैं जो, तो वो वाले भी हैं, उनको भी मैं इसमें से निकाल दूंगी। तो एक पेटीकोट का कपड़ा जो है बहुत अच्छा है, उसका तो मैं पेटीकोट ही सिलूंगी। तो एक पेटीकोट का कपड़ा भी अच्छा है, उसका पेटीकोट भी बनेगा और एक अलग से सूट भी बनेगा। तो वो जो सूट है वो मैं आज सिल दूंगी, मेरे पास आज टाइम है अपने लिए, तो वो काफ़ी अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी थोड़ा बहुत हल्के में। तो जितना मतलब कि मैं इसको खोलूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे, वो तब के तब है, इसमें धूल भी लग गई है इस बैग पे, क्योंकि मैंने ये यहीं पे बैठ के नीचे रख दिया था। तो चलिए दिखाती हूँ ज़्यादा देर ना करते हुए आपको कि मेरे बैग में क्या क्या है। तो जो कपड़े तो और भी है मैंने रखे इस साइड में, पर जो इसमें रखे हैं, इसमें शायद मेरा पेटीकोट भी इसी में ही है, अभी मैंने खोला नहीं है। यहाँ देखिए सिर्फ निकाला है, हल्की हल्की सी, ये देखिए धूल भी है इसके ऊपर। तो बाद में आज मैं इससे निकाल दूंगी, कपड़े इससे निकाल दूंगी, अच्छे से रखूंगी और बैग को मैं वॉश करके फिर इसी में रख दूंगी। जिसके कपड़े होंगे फिर उनको मैं दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं मेरे बैग में क्या है। तो देखिए टाइम का कुछ पता नहीं लगता है। उस टाइम मैं ये पैक करके गई थी कि जाएंगे और 10 दिन के बाद आएंगे और मैं जो है ये सिलूंगी। और ये देखिए ये वाला सूट, ये भी लोगों का सूट है, मार्च में दिया था तो मुझे बोला गया था आराम से सिलना, गर्मी का सूट है तो 2 गर्मियां चलेंगी, ये भी नहीं सिला। और ये देखिए ये भी एक सूट है और ये भी लोगों के ही सूट है, सर्दियों के सूट है। मैंने इसमें लिफाफों में नाम लिखे हुए हैं, ये भी मैं उनको दे दूंगी वापस। और ये देखिए ये मैंने लवी से लेके आई थी, इस बार पता नहीं लवी होती है कि नहीं, काफ़ी अच्छा कपड़ा है, गर्म कपड़ा है मोटा सा। तो इसकी एक फ्रॉक बनी थी या कुर्ती बननी थी, जो भी बनना था, काफ़ी अच्छा कपड़ा लगा था मुझे उस टाइम। तो मैंने सोचा था ये भी सिल लूँगी, ये भी ऐसे ही रह गया। और इसमें बहुत सारे सूट हैं और ये सारे लोगों के सूट हैं, ये मैं नहीं दिखाऊँगी ओपन करके। और ये देखिए मैं 2 बो रही थी, इसमें 3 पेटीकोट निकले, ये मैं बिल्कुल भूल गई थी। ये मेरे बड़े वाली बहन ने दिया था मेरे पास, तो ये उनकी बेटी के लिए सिलना था मैंने, तो उसका और मेरा नाप सेम ही है, तो अपने नाप से मैंने ये सिलना था। ये देखिए उसके फंक्शन वगैरह में काम आता है स्कूल में, तो उसके लिए ये सिलना था, काफ़ी अच्छा है ये भी। और ये देखिए ये वो पेटीकोट है, एक पेटीकोट का पीस है ये और एक सूट का पीस है, मतलब कि पेटीकोट सूट सब कुछ ही बन जाना था। मेरी बहन ने जो दिया था मुझे, काफ़ी अच्छा है कलर, इसको ही सिलूंगी मैं। और ये देखिए ये वाला पेटीकोट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था इसका कलर, और ये पहन के भी अच्छा लगेगा। तो ये भी मुझे मेरी बहन ने ही दिया था, तो ये भी ऐसे ही रखे रह गया है। तो उसे लगा था, उसे ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे अच्छा लगा था। और इसमें सिला हुआ सूट है किसी का, ना वो लेने आए और ना ही मुझे याद रहा, तो ये भी यही है, पता नहीं अब याद भी नहीं किसका है, नाम लिखा होगा। और ये देखिए ये भी सूट है, यहाँ पे गरम सूट है, ये भी औरों के ही हैं। तो इस तरह से 2 और बैग हैं, उनको भी मुझे कभी खोलना पड़ेगा, उसमें भी पता नहीं वापस देने पड़ेंगे मुझे अब फिर, कोरोना ने क्या से क्या कर दिया। और ये देखिए ये भी एक सूट है, ये भी कट करके रखा है, तो जो जिसका है वो समझ गया होगा। तो ये देखिए शर्ट, ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए शर्ट के पीसेस हैं, ये भी मैंने शर्ट एक कट करके रखी हुई है, अपनी ही है मेरी। तो चलिए मैंने भी वो पीस निकाल दिया और यहाँ मैं कर रही हूँ कटिंग। तो अपने लिए मैं एक सिंपल सूट बना दूँगी, प्लाज़ो वाला, पैंट प्लाज़ो वाला, तो मुझे ये कपड़ा अच्छा लगा, पहन के अच्छा लगेगा, लाइट से प्रिंट है इसमें सिल्वर कलर के और पिंक कलर के,
तो स्काई ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा जैसा लगा, तो मैं इसका बिल्कुल सिंपल से सूट बना के 1 घंटे में तैयार कर दूंगी। तो चलिए आप भी देखिए फटाफट से मैं कैसे बनाती हूँ अपने लिए सूट। इसके लिए ज़रूरत है मुझे ये रील की, और ये देखिए ये है इलास्टिक और ये है बुकरम, तो इससे मैं अब इसको स्टिच कर दूंगी। अब मैं आपको स्टिच करने के बाद इसको दिखाऊंगी कैसा बन के तैयार होगा ये। इसी के साथ ही मैंने कटिंग कर दी थी, तो यहाँ पे मैं दाल लगाई है मैंने सुबह की ही सफ़ेद चने की, तो रौनक की फेवरेट है काबुली चना, तो यहाँ साइड में मैं लगा दूंगी चावल और दाल को कर दूंगी फ्राई। छोले थोड़े चटपटे से बनाने के लिए मैं इसमें स्पाइसेस को भून लूँगी अच्छे से, और यहाँ साइड में लगा दूँगी मैं तड़का। तो स्पाइसेस में मेरे पास रहता है सिर्फ ज़ीरा, धनिया और मेथी दाना, और उसके साथ ही काली मिर्च और हरी मिर्च मैंने इसी में ही पीस ली थी। फटाफट से तड़का लगा दूँगी और मैं कुंडी में इसको कूट दूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे कुंडी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें कुछ अलग से ही फ्लेवर उभर के आ जाता है। और ये देखिए मैंने बारीक कर दिया है इसको दरदरा पीस के, तो इसको मैं इसमें यूज़ कर दूँगी, अभी नहीं डालूँगी क्योंकि भुना हुआ है, बाद में ही डालूँगी। तो हल्का सा मैं इसमें आज किचन किंग मसाला भी डाल दूँगी, तो मसालेदार जैसे बनाऊँगी क्योंकि रौनक को पसंद है ऐसे स्पाइसी खाना, तो मैं मसाले भी वही ऐड करूँगी इसमें जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, सेहत के लिए ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। तो ये हल्दी हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और अच्छे से मैं इसको अब बना दूँगी। देखिए हमारा तड़का बनके हो गया है तैयार। तो मैंने मोबाइल को ट्राइपॉड पे नहीं फंसाया है आज, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो बीच बीच में ऐसे मैं क्लिप्स ले रही हूँ। तो इसमें मैंने ये ऐड कर दी है चने, चने काफ़ी अच्छे से पक गए थे, मैंने सुबह ही उठ के डाल दिए थे भिगोने के लिए, उसके बाद जब मैं सूट सिलाई कर रही थी तो मैंने ये लगा दिए थे पकने के लिए। तो चलिए हो जाएगी हमारी अब दाल बन के तैयार, दाल ही बोल सकते हैं छोले, क्या मैंने लिक्विड टाइप के बनाए हैं, हल्का सा पानी मैंने इसमें ज़्यादा डाला है क्योंकि दिन को बनते हैं राइस, तो रौनक राइस के साथ खाएगा। आज मैंने इसके साथ ना चपाती बनाई ना पूरी बनाई, सिंपल राइस बनाए। तो देखिए मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूँगी, एक घड़ी पहले मैं इनको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें इतना पानी डाला है, तो अच्छे से इसमें उबाल आएगा, तो इसमें ये किचन किंग मसाला ऐड कर दूँगी। काफ़ी यम्मी टेस्ट आता है इसका हर सब्जी दाल में, जब भी मेरा डलता है कभी बीच में डालती हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये मसाला, और इसके ऊपर ऐड कर दूँगी मैं अब कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स,
तो ये देखिए मैं इसको अब इसमें ऊपर कट करके ऐड कर दूंगी। हमारे हो गए हैं छोले बनके रेडी, तो अब हम खाएंगे खाना। रौनक अभी अपने फ्रेंड के घर चला गया था, बीच में उसको रेस्ट दे देती हूँ। हिंदी का थोड़ा इतना रहता है कि उसको लिख लिख के करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उसको मैं दिन भर ही बिठा के रखा है। तो देखिए मैंने राइस निकाल दिए हैं और ये निकाल दूंगी मैं उसके लिए अब खाना, क्योंकि मैंने उसको बुला दिया है, वो बाहर वेट कर रहा है। तो चलिए ये रौनक की प्लेट, रौनक को जाएगी अब। यहाँ देखिए मैंने सूट की सिलाई करना स्टार्ट कर दिया था और ये आर्म्स मैंने इसमें ये फ्लेयर अटैच कर दिया था। और ये देखिए मेरी कुर्ती बन के हो गई थी तैयार, तो इसकी भी मैंने फिटिंग की सिलाई दे दी थी। और इसमें अब जोड़ दूंगी मैं ये आर्म और इसी तरह से ही मैं सूट बन के हो जाएगा तैयार। यहाँ पे मैं अपनी प्लाजो को सिला रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ। और रौनक को मैंने वीडियो शूट करने के लिए बोला है, खाना खा के वो भी यहीं पे ही मेरे पास बैठ गया था। चलिए फटाफट से मैं सिल देती हूँ ये सूट। देखिए फ्रेंड्स मेरा सूट बन के हो गया है रेडी। तो बिना प्रेस किए ही मैंने अभी ये घड़ी ऐसे ही पहन लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सिंपल वियरिंग है ये, घर में पहनने के लिए मैंने बनाया है। तो एक बार मैं ये घर जाने के लिए पहन लूँगी या कहीं इधर उधर। तो देखिए आर्म्स के डिज़ाइन कुछ ऐसे लग रहे हैं। तो मैं भी करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर ही एंड, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। एक बटन लगा दिया है मैंने यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस वीडियो का भी करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड, मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, stay home. Thank you.